मुझे लगता है औरतों को ज्यादा बदनाम ना शायर लोग ने किया। आपने शायरिया सुनी है, बेवफा किसी की बाहों में रोएगी धोएगी, सुनो हर चीज लोग शायरों ने बदनाम करके रखा है। मतलब इन लोग अपना प्रोफेशन क्या सोच के चूज कर, कह रहे दिल टूट गया शायर बनना पड़ेगा। लड़कियों की गांड फट्टी शायर लोग को डेट करने में, कि अगर इससे ब्रेकअप हो गया तो इंस्टाग्राम पे टाइपराइटर फॉन्ट में टॉन्ट मारेगा। जो भी दिल टूटा शायर बन जाओ। मेरी हाफ बिल्डिंग में हफीजा आंटी रहती है, उनसे कोई भी पूछता है ना असलम क्या कर रहा है, तो बोले अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था लेकिन कोई शब्बों ने दिल तोड़ा है, तब से मुशायरों के धक्के खा रहा है। मेरे को पूछते बेटा इसको कोई काम वाम पे लगा, तो मैं पूछा तेरे को एक्सेल आता है, इज लाइक एक्सेल तो आता है लेकिन उसमें जिंदगी का हिसाब नहीं हो पाएगा। चूती हो गई। एक बार वॉलेट से झुमका निकाला, मैं बोला तू पहनता है ये सब, बोले नहीं शब्बों ने भेजा है। और शब्बों को इसने देखा तक नहीं अभी तक। शब्बों से ये मिला मिंडर पे। आई टेल यू मैम व्हाट इज मिंडर, इट्स मुस्लिम डेटिंग ऐप। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, इट्स देयर, मुस्लिम डेटिंग ऐप। मुस्लिम डेटिंग ऐप बना दिया, टिंडर को मिंडर कर दिया। और फेक अकाउंट क्या ही बना लोगे, सब बुरखे में। अब अमरीन के बुरखे की एम्ब्रॉयडरी पसंद, स्वाइप राइट तीन बार। मिसबा का मस्खरा लाइक वो मिंडर कर दिया, टिंडर को मिंडर कर दिया मतलब। और उसका मैं डाउनलोड किया तो उसमें देखा, उसका पहला ऐड क्या आता है पता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फाइंड द सिंगल मुस्लिम्स अराउंड यू। That's wrong, ना? ये ऐसे होना चाहिए ना, तीन शादी होनी चाहिए, हो चुकी है, चौथी बाकी है, grab the opportunity. ऐसे होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, टिंडर को मिंडर कर दिया। मतलब ये तो सब अपना अपना कर लेंगे, जैन लोग जेंडर कर लेंगे, ब्राह्मण हिंदू होंगे वो कर लेंगे हिंडर, वो रोक रहे नहीं करना है लेकिन। बहुत कम पढ़े लिखे लोग। तमिल वाले लेकिन हमारा प्रॉब्लम आ रहा है लाइक। मुझे देखना है बिहारी लोग का भिंडर, उसमें लड़कियों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि दहेज का 10 लाख जमा कराना पड़ रहा है। वहां का टिंडर गोल्ड मतलब टिंडर गोल्ड 2 तोला गोल्ड। वहां की लड़कियों को लोकेशन के लिए मुंबई डालना पड़ रहा है। फेक अकाउंट नहीं होंगे, ये भी एक फायदा है। फेक अकाउंट कौन से नाम से होता है आप लोगों को पता है, एंजल प्रिया। मुस्लिम लड़की का एंजल प्रिया नाम हो नहीं सकता, होगा परी परवीन। बट फिर लोग सोचेंगे मुस्लिम लड़की का पर कैसा निकला। राइट विंग काट दो। और ये ऐप डाउनलोड, मैंने ऐप डाउनलोड किया, मेरा मैच आया, मैच आते के साथ एक ऑप्शन खुला, स्ट्रेंजर्स रिलेटिव्स। तो मैं सुबह दूध और ब्रेड लेने आज जा रहा था, तो मेरे को एक ही चप्पल मिला, दूसरा मिल नहीं रहा था, तो मैं एक चप्पल पहन के दूध लेने गया। बोला भैया 1 लीटर दूध दे दो, लाइक एक क्यों, मतलब 2 दे दो। लाइक नहीं 1 चप्पल क्यों पहना है। लाइक दूसरा वाला मिल नहीं रहा था, लाइक तू नंगे पैर भी तो आ सकता था। लाइक हाँ, मैं ऊपर गया चप्पल उतारा, नंगे पैर आ दूध लिया, वो बोले ब्रेड खत्म हो गया। मैं रोड क्रॉस करके ब्रेड लेने जा रहा था, वहां से चाची आ रहे थे। चाची से लाइक नंगे पैर कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला चप्पल मिल नहीं रहा था, लेकिन तू भाई का चप्पल पहन के भी तो आ सकता था। तो उसने हाँ, तो मैं गया भाई की चप्पल पहन के आया, दूध लिया, ब्रेड लिया। जब रिटर्न आ रहा था तो भाई बिल्डिंग के नीचे एक चप्पल पहन के खड़ा।
बड़ा भाई है। मैं उसको बोला तू एक चप्पल पहन के क्यों आया, लाइक दूसरा वाला मिल नहीं रहा था। बोला तू नंगे पैर भी तो आ सकता था। हाँ हो गया, चप्पल उतार गया। फिर नीचे आया, बड़ा भाई है तो मेरे को बुरा लगा, तो मैंने अपना एक चप्पल उसको दे दिया। अब हम दोनों एक एक चप्पल पहन के। फिर उसको रियलाइज हुआ दूसरा भी उसका है, तो उसने दूसरा ले लिया, वो चले गया। अब मैं फाइनली घर पे गया, मेरी बहन मेरे को देख के बोलती है तू नंगे पैर कहाँ गया था। बोला मैं चप्पल पहन के गया था, तू बता तू कब से कहाँ थी। She's like, मैं दूध और ब्रेड लेने गई थी। बोला वो सब तो ठीक है लेकिन तूने झुमका एक क्यों पहना है। She's like, दूसरा वाला मिल नहीं रहा है। तो फिर मैं गौर से देखा कि तेरा दूसरा झुमका असलम के पास है। अच्छा तू शब्बो है क्या। इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते सब लोग मैंने इंस्टाग्राम पे एक लड़की का बायो देखा, उसमें लिखा था उसने आई डोंट गिव अ डैम। मांगा किसने? कौन लड़का जो लड़कियों से डैम मांग रहा है? लड़की चूती है ना, नंबर मांग रहे, डैम मांग नहीं दे रही है। और वो बायो में लिखा है कि आई डोंट गिव अ डैम। मेरे को फर्क नहीं पड़ता बायो में सबके लिए, मतलब तू जा रहे तेरे को बोले सुन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हुआ, तेरे को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और लड़के ऐसी भी चूती है, लड़के साथ चूती है। मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त आकाश है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा था। हम लोग साथ में थे, साइड में आके गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा था। ठीक है कर लो, दो घंटे तक कर रहा था। जैसे ही पीछे गया वो गाना गा रहा है। बस लाइक आकाशवाणी है मेरा दोस्त, वो गाना सुना रहा है गर्लफ्रेंड को। छू तो लिया है ये जिस्म तूने। अब मैं उसको बीच में इंटरप्ट भी नहीं कर सकता, मैं स्पॉटिफाई थोड़ी ना हूं। तो जैसे ही मैं उसको कुछ बोलूं उसने गाना चेंज कर दिया। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे। बोले गाना क्या चेंज, मतलब वहां कुछ गिटार बज रहा है क्या, टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग क्या। ये दोनों को मजा आ गया। ये दो दो लोग जब ऐसा लगे ना, कहा हंस नहीं सकते बट एक दूसरे को देख के याद रख ले इस पे कार में हंसेंगे। छिछोरा रिप्रेजेंट। मस्त। तो ये और वो नहीं है, लड़के क्रिएटिव नहीं है। मेरा एक दोस्त है अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़ा माहौल थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का ऐसा था, तो उसने स्टोरी डाला था, उसने लिखा था वी वांट वॉर, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। लाइक डूड ऐसे नहीं होता है, वॉर्स आर एक्सपेंसिव, इट टेक्स अ लॉट। जस्ट बिकॉज आर करंट गवर्नमेंट हैड गुड स्पॉन्सर इट डजंट मीन कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसे समझ में आया, इज लाइक आई अग्री, इवन आई कांट अफोर्ड टू सी शाहिद आफरीदी डाई। इसको पाकिस्तान के टैलेंट की पड़ी। और टैलेंट पाकिस्तान में है भी नहीं। नहीं नहीं है, है एक है सानिया मिर्जा।